नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि बिहार के जो महिला रिमांड होम हैं हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका कांड को आज भी लोग भूले नहीं हैं। इस बीच पटना सिटी के महिला रिमांड होम की एक फरार महिला ने रिमांड होम में चल रहे सच को उजागर किया है, काले सच को उजागर किया है। पटना के गायघाट महिला रिमांड होम से ये लड़की फरार हुई थी और एक इस ज्योति ने पटना महिला रिमांड होम के अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर 2.5 मिनट का इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ है और उसने बताया है कि वह वहाँ गंदा काम होता है रिमांड होम में। रिमांड होम की खूबसूरत लड़कियाँ अधीक्षिका वंदना गुप्ता को बहुत प्यारी होती हैं। वीडियो में ये ज्योति ने अधीक्षिका के ऊपर लड़कियों के शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाकर तहलका मचा दिया है। मामला सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने आनन फानन में एक टीम गठित कर जांच का दावा किया है और महिला रिमांड होम की व्यवस्था को क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने अधीक्षिका को क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन रिमांड होम की व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़ा हो ही गया है, क्योंकि ये जो लड़की है जिसने अपना वीडियो जारी किया है वो रिमांड होम में ही रहती थी और रिमांड होम से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। और जब वो दावा कर रही है कि रिमांड होम में गलत काम होता है तो इसको सिरे से खारिज करना भी बड़ा मुश्किल काम है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। मुजफ्फरपुर महिला रिमांड होम के अंदर का पाप सामने तो आ ही चुका है, अगर दूसरे रिमांड होम में भी इसी तरह का काम हो रहा है तो ये चिंता सरकार की भी बढ़ाने वाली है। आपको पता है कि बहुत पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रिमांड होम में इस तरह की शिकायतों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई थी और जाँच के बाद ऐसी बच्चियों को रिमांड होम से आज़ाद कराया गया था जिनको उनके परिवार वाले प्रेम की सजा दे रहे थे। यानी बेटियों ने प्रेम किया तो परिवार वालों ने अपहरण का मामला दर्ज कर दिया लड़के पर, लड़का जेल गया, बेटी रिमांड होम, और बेटी को सजा देने के लिए रिमांड होम में ही परिवार वालों ने छोड़ दिया। बहुत पढ़ी लिखी अच्छे घरों की लड़कियाँ रिमांड होम में ऐसे ही सजा काट रही थी बिना अपराध के, तो उनको मुख्यमंत्री के आदेश पर रिहा कराया गया था। अब जब फिर से इस तरह का मामला सामने आया है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी वहां पीड़ित लड़कियां हैं उनकी रिहाई की व्यवस्था होनी चाहिए।